हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के दूसरे एम सीरीज के फोन M20 के बारे में। कल हमने वीडियो में देखा था कैसे M10 ने बजट फोन को टक्कर देकर मार्केट में अपनी जगह बना रखी है। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की नई सीरीज एम सीरीज के M20 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं M20 के डिस्प्ले की, तो हमें यहाँ पर 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और इन्फिनिटी ये जो डिस्प्ले है, इसको इस बार नाम दिया गया है वी डिस्प्ले। फुल HD डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 2340x1080 पिक्सल्स के साथ में, और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें, तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव गया प्रोसेसर को। Exynos 7904 ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग M10 से काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। 3/32 और 4/64 रैम रोम का आपको यहाँ पे वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरे को लेके सैमसंग ने काफी हद तक इंप्रूव किया है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड डुअल कैमरा देखने को मिलता है 13 और 5 मेगापिक्सल के साथ में। और इस डुअल कैमरे के अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड डुअल कैमरा आ गया। यहाँ पे लाइव फोकस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। अगर हम इस फोन को क्लिक करके लाइव फोकस की बात करें, तो बिल्कुल कॉर्नर कटिंग के साथ आपको लाइव फोकस देखने को मिल जाएगा। लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी हद तक इम्प्रूवड है, क्योंकि यहाँ पे अपर्चर 1.9 का यूज़ किया है इस कैमरे के अंदर, तो लो लाइट फोटोग्राफी भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है सैमसंग ने। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करते हैं, तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा हमें यहाँ फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है अपर्चर 2.0 के साथ में। तो बहुत ही शानदार तरीके से कैमरे को जो है सैमसंग ने इम्प्रूव किया है इस मिड रेंज फोन के अंदर। अब हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी हमें यहाँ देखने को मिलती है 3x faster चार्जिंग के साथ में। और USB जो चार्जर है, वो हमें यहाँ पे मिलता है सी टाइप का। काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं 5000 mAh बैटरी अपने आप में मायने रखती है कि पूरा दिन चला देगी ये बैटरी। कलर की हम बात करें, तो सैमसंग अपने दो जो कलर रखती है, ओशन ब्लू और चारकोल ब्लैक, तो ये वेरियंट हमें देखने को मिल जाएगा। प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो अमेजन पर हमें इसकी सेल चालू हो जाएगी 11,000 रुपये और 13,000 रुपये से इस वेरियंट को हम देख पाएंगे मार्केट में। तो दोस्तों, ये था M20 का कंप्लीट पैकेज, और इसकी जो सेल है अमेजन पर 5 फरवरी से चालू हो जाएगी दोपहर 12 बजे से। और जैसा मैंने वीडियो में बताया आपको, 3/32 का जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 11,000 रुपये में, और 4/64 का जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 13,000 रुपये में। तो मेरी अकॉर्डिंग जो रेडमी के अभी जो फ़ोन चल रहे हैं 13 से 14,000 रुपये की मिड रेंज के जो फ़ोन हैं, या फिर हम बात करें वीवो और ओप्पो के फ़ोन, तो उन फ़ोनों को अब सोचने की बात है कि उन फ़ोन और इस सैमसंग के फ़ोन के अंदर अगर सैमसंग ने मार्केट में अपनी जगह बना ली, तो वीवो ओप्पो और रेडमी की कंपनी को काफ़ी हद तक सोचने की जरूरत पड़ने वाली है। आपकी क्या राय है इस सैमसंग के M20 के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो व्यूवर्स हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोज़ नई वीडियो लेकर आता रहता हूं।